हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आपका ओप्पो में गलती से पासवर्ड लॉक, पिन लॉक या पैटर्न लॉक भूल गए हो, जिस कारण से आप अपने हैंडसेट को यूज नहीं कर पा रहे हो। फ्रेंड, ऐसा अक्सर हम लोग के साथ होता है। हम लोग कभी भी अपने ओप्पो में लॉक लगाते हैं पिन पैटर्न पासवर्ड में, और भाई ओप्पो में लॉक लगाना हमेशा हर बंदे का बहुत ही अच्छा बात होता है। लेकिन अपने फ़ोन का ही लॉक भूल जाते हो, जिस कारण से अपने फ़ोन को फिर बाद में यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपका फ़ोन अनलॉक होगा ही नहीं, तो आपके फ़ोन में ना कोई एप्लीकेशन यूज होगा, ना कोई गेम खेल पाओगे, ना किसी को कॉल कर पाओगे, कोई काम नहीं होगा। जब देख सकते हो यहाँ पे मेरा फ़ोन लॉक है। तो फ्रेंड, जब तक हमें पासवर्ड नहीं याद है, हम फिर भी ट्राई करते हैं रॉन्ग पासवर्ड का। बहुत बार ट्राई किए रॉन्ग पासवर्ड का, फिर भी हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से हमारा फ़ोन लॉक हो गया है और हमारे फ़ोन में ना फिंगरप्रिंट भी यूज नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड, कैसे करेंगे अपने हैंडसेट को अनलॉक, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ओप्पो का हैंडसेट यूज करता है, ओप्पो का कोई भी मॉडल, तो आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो घर बैठे, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस वीडियो को देखो, घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आप भी करना चाहते हो, तो आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसा कि देख सकते हो हमारे फोन में ये लॉक स्क्रीन दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला आपको यहाँ पे एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिख रहा है। अब अपने फ़ोन में से एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर लेना, या तो अपने फ़ोन में से ही सिम कार्ड को निकाल लेना। बस इतना काम करने के बाद आप फिर लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाइएगा, इमरजेंसी कॉल को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इमरजेंसी कॉल के पेज पे आए। इमरजेंसी कॉल के पेज पे आने के बाद आपको ये कोड दिया जाएगा। आप अपने फ़ोन में ये कोड को ध्यान से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से, कोई भी हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को रोक के कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये कोड आप अपने फ़ोन में कॉपी जरूर कीजिएगा ध्यान से। इसके बाद इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। कैसे करेंगे, कॉल वाला ऑप्शन है, कॉल पर क्लिक करेंगे दो बार, बस दो बार क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपका ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद इस कोड को इरेज कर दीजिएगा, यानी हटा दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड दिया जाएगा, *A99#। ये कोड को डायल करें। डायल करने के बाद आप आ जाइएगा इंजीनियर मोड के फाइल पे। इंजीनियर मोड के फाइल पे आने के बाद यहाँ पे हमें मैनुअल टेस्ट को ओपन करना होगा। सेकंड नंबर डिवाइस पे जाना होगा, सेंसर सेल टेस्ट कैलिब्रेशन। आपके फ़ोन में दो सेंसर होंगे, तीन सेंसर होंगे, तीन से अधिक भी हो सकते हैं या दो से कम भी हो सकते हैं। बट हमें क्या करना है यहाँ पे आपको पहला समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेशन नॉट स्टार्ट से, फर्स्ट वाला में भी और सेकेंड वाला में भी। तो ऑपरेशन दोनों को स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। दोनों में से स्टार्ट करके किसी का एक सेंसर को पास होना जरूरी है। दोनों फेल हो गया, फिर से हम ट्राई करेंगे। जब तक हमारा सेंसर पास नहीं होगा, तब तक हम ये ट्राई करते रहेंगे। जैसे कि देख सकते हो हमारा एक टेस्ट पास हो चुका है, दूसरा फेल हो चुका है। इसे हटा सकते हैं, जायरोस्कोप पे जाएंगे, जायरोस्कोप वाला पास हो चुका है। जायरोस्कोप पे क्लिक करके यहाँ पे नॉइज डर पे क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिएगा। सेंटेंस चेंज हो जाएगा, होम बटन क्लिक कीजिएगा, आपका ओप्पो का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।